आज भी हमारे यहाँ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, बहुत, वो पढ़ाई के नाम से बिल्कुल जीरो। और ऐसे बैकवर्ड एरिए हैं जहाँ पर लड़कियों को बाहर जाना, बाहर आना, उनकी नज़रें सिर्फ यही देखती रहती हैं कि क्या हो रहा है इनके घर में, क्यों ये बाहर जाती हैं, क्यों ये पढ़ रही हैं, इनके माँ बाप इनको क्यों पढ़ाई करवा रहे हैं। तो बहुत ऐसी जगह हैं आज भी हैं, शहरों में ऐसी जगह हैं। अब मैं एक किस्सा आपसे सुनाना चाहूंगी, बात जब की है। मेरी दो छोटी बहनें, जो कि एक कजिन थी और एक मेरी छोटी बहन, वो किसी काम से बाहर जा रही थी। अब हुआ क्या कि उनके पीछे कुछ लड़के चले। अब उसमें से एक लड़का तो काफी टाइम से उनको परेशान कर रहा था, तो उसमें से पहले क्या था, मोबाइल तो थे नहीं, लोग बाग पेपर पे कुछ लिख के ऐसे लड़कियों के आगे फेंक दिया करते थे। तो ऐसा ही था, उनके आगे भी एक लड़के ने एक पेपर पे कुछ लिखा और उनके सामने डाल दिया। खैर, मेरी बहनों को तो उनसे कोई मतलब था नहीं, तो वो भागी। तो हमारे पड़ोस में एक लेडी थी, उनकी बहुत छोटी सी, से घरों में शॉप खोल लेते हैं इस टाइप की उनकी शॉप थी, तो वो भी वहीं से आ रही थी। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ की लड़कियां हैं और लड़के ऐसे ऐसे उनको फेंक रहे हैं, तो उन्होंने बजाय उन लड़कों को कुछ कहने के लड़कियों से कहा कि तुम घर चलो, अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करेंगे। अब क्या होता है, मेरी बहन घर पर आई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया, क्योंकि वो सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। अब क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा चलो देखते हैं, आने दो उनको। अब वो आई, वो अंदर थी मेरी बहनें और वो आई, मैं बाहर थी। मुझसे बोली, हाँ कहाँ है तुम, उनका कौन, तो बोली तुम्हारी छोटी बहन है। मैं कहा वो यहीं पर है, बताइए क्या हुआ। तो बोली बुलाओ उनको और अपनी अम्मी को भी बुलाओ। तो मैं कहा ठीक है। अब मैंने अम्मी को भी बुलाया और अपनी बहनों को भी। वो बोली मेरी बहनों को देखकर बता दूं, तो वो बोली बता दीजिए क्या बात है। तो मैंने ऐसे पूछा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैंने पूछा क्यों क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जा रही थी और इनके पीछे लड़के जा रहे थे और लेटर लड़कों ने इनके आगे डाला और बहुत बुरा जमाना है। तो मैंने कहा तो आप यहाँ शिकायत करने क्यों आई हैं। तो बोली मैं इसलिए आई हूँ कि बीबी इनको बाहर मत जाने दिया करो, और बहुत बुरा ज़माना है, लड़के भी लेटर फेंकते हैं, लड़कियां भी, दोनों तरफ बहुत बुरा हाल चल रहा है, इनको रोको। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं भी जाती हूँ, मेरे साथ भी होता है, मेरे भी पीछे पड़ते हैं, तो क्या उनके डर से हम घर पे बैठ जाएं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता, लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं और काम भी करती हैं, तो क्या इनके डर से हम कोई काम ही ना करें। तो वो थोड़ी सी वो परेशान हो गई, कहने लगी नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाएगी। मैंने कहा अगर लड़कियों को आपने कुछ देखा तो आप कहिए, इन थोड़ी नहीं, इनका तो कुछ नहीं देखा। मैंने कहा बस, तो फिर तो वो अपना समूह लेके चुप चली गई। उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि तूने बहुत अच्छा किया, तूने जवाब दे दिया, वरना मैं तो जवाब ना दे के अपनी बच्चियों को ही डांटती। खैर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही तो करते हैं, जरा सा किसी के डर से कि अगर कोई हमारी शिकायत कर रहा है या कुछ, हम अपने बच्चों को ही कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें समझना है, हमें समझाना अपनी बच्चियों को भी है और उस वक्त को भी देखना है जो चल रहा है। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बात इसकी नहीं है कि जो मैंने बात बताई है, कोई भी बात हो सकती है, किसी भी चीज़ में हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें सब चीज़ का डट के मुकाबला करना चाहिए, ना कि डर के अपने आप को ही। तो इस चीज़ पर भी आप गौर करिए।